स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे SCGL टीयर 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, 2400, 2800, 4200, 4600, 48 ग्रेड पे। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला है कि कट ऑफ 2400, 2800 कट ऑफ, यहाँ पे 320 से कम नहीं जाएगा। कोई ऐसे स्टूडेंट थे जो कह रहे थे सर कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगा, आपकी बात से सहमत है क्योंकि पेपर का लेवल हार्ड आया है लास्ट डे की तुलना में। तो इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे 2400, 2800, 4600 कट ऑफ क्या रहेगा, आंसर की डेट के बारे में बात करेंगे, आंसर की के बारे में गुड न्यूज है। वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखो, हम सारी जो चीजें बात करते हैं वो तर्क सहित बात करते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह खोल दिया कुछ भी बक दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसी की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसी 7500 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, और बच्चों ने काफी अच्छा मेंस एग्जाम भी दिया है, हालांकि कुछ पेपर का लेवल जो है शिफ्ट वाइज वो हार्ड देखने को मिला है। जैसे हम कहें मैथ्स का जो पेपर था वो 26 तारीख का जो पेपर था वो काफी ज्यादा हार्ड था, 27 तारीख को पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था मैथ्स का जो कि 26 को जितना हार्ड आया था। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पेपर मॉडरेट देखने को मिला, जीए का पेपर मॉडरेट देखने को मिला, कंप्यूटर का क्वालिफाई नेचर था, कंप्यूटर का पेपर भी हमें हार्ड देखने को मिला लेकिन क्वालिफाई नेचर है। बच्चों ये ध्यान रखो, अगर आपके मार्क्स 300 350 नंबर भी आ जाए लेकिन अगर कंप्यूटर में अगर आप पास नहीं कर पाते, क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपके सारे मार्क्स व्यर्थ हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल देखने को मिला है। तो बच्चे हर चीज में तैयारी करते हैं, कंप्यूटर में तैयारी नहीं करते हैं, उतने करके आते हैं जितना क्वालिफाई है, फिर बाद में वो क्वालिफाई नहीं हो पाते। देखो जरा चीजें हमें घुमा के देखते हैं, देखो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे 23 आवर्स एगो जो पहले वोट देखने को मिले थे उस हिसाब से मैं आपको चर्चा कर बता रहा हूँ। 6.2 के वोट यहाँ पे हैं सीजीएल 2 टीयर 2 450 में से। 450 में से का मतलब है यहाँ पे आपका 60 नंबर का क्वालिफाइंग मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, जो कि जोड़ना मुझे नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने जोड़ रखा है, और इसके आधार मैंने कंपेयर कर रखा है कि कितने क्या आ रहे हैं। तो पेपर तो आपका 390 में से है, 390 प्लस आपका 60 नंबर अगर आप जोड़ोगे तो 450 आपका वो हो रहा है। तो मैं टोटल किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 30% लोगों का कहना है कि बिलो 300, मतलब उनके मार्क्स 300 से भी कम है। अगर आप नहीं समझेंगे कि 280, 270, 255, 260, 270 इस प्रकार के मार्क्स है, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है, जो बकैती कर रहे हैं 320 पे या 300 पे बोल रहे हैं अभी, तो सोचो आंसर के आने के बाद जिनके 320 300 है तो उनके तो कम हो जाएंगे ना, आप खुद समझ सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं आपके 400 मार्क्स है, 400 मार्क्स है तो मैं समझ सकता था आपकी 350 तो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनके 320 300 है उनके तो मार्क्स कम हो गए, क्योंकि आफ्टर आंसर के बाद मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो हमसे नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज देखने को मिला है। और ये देखो सीजीएल टीयर 2 इंग्लिश में यहाँ पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, इंग्लिश की अगर बात करो तो अधिकतर स्टूडेंट ने कहा है इंग्लिश में 59% जो ह्यूज वोट है, 100 से लेकर 120 के बीच। हालांकि जितनी सच्चाई यहाँ पे नजर आ रही 100 से 120 उतना है नहीं, क्योंकि इंग्लिश पेपर में टफ देखने को मिला है, जबरदस्ती में 120 तक नहीं खींचेंगे, क्योंकि यह है कि आपका इंग्लिश का जो पेपर था वो मॉडरेट जरूर था लेकिन यहाँ पे है बहुत ही ट्रिकी टाइप का। ठीक है, तो आप इसको 100 तक की आप प्लस मानिए कि 120 तक ना जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं शिफ्ट वाइज अगर देखें, जो मैथमेटिक्स एबिलिटी से बात करूं, जो बच्चों का कहना है 22 प्लस हमारे मैथमेटिक्स में सही हो सकते हैं, सही नहीं आंसर कहने के बाद पता लगेगा। रीजनिंग की बात करूं 28 प्लस रह सकते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में 30 प्लस रह सकते हैं हमारे, और जनरल अवेयरनेस में हमारे 12 13 15 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। ठीक है, 12 13 15 क्वेश्चन भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। कंप्यूटर टेस्ट और क्वालिफाई नेचर ही आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, बात आती है कि सीजीएल 2023 का कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप कट ऑफ देखो, 2400 ग्रेड भी कट ऑफ की बात करूं फ्रेंड, देखो 2400 ग्रेड का जो कट ऑफ है वो आपका, ऐसा तो नहीं कहूंगा ज्यादा कम जाएगा और यही नहीं कहूंगा कि ज्यादा हाई चला जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से पेपर का लेवल गया है, नेगेटिव आप कंसिडर करोगे और नॉमिनेशन कंसिडर करोगे तो सारी चीजें इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो रॉ स्कोर के आधार बता रहा हूँ, देखो रॉ स्कोर के आधार बता देता हूँ कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं 280 प्लस भी अगर है रॉ स्कोर, जी हाँ 280 प्लस रॉ स्कोर अगर बात करो, यहाँ पे बात हो रही है रॉ स्कोर की, अगर आपके मार्क्स 280 प्लस रॉ स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसके आधार पर आपका नॉमिनेशन डिपेंड होगा, आंसर की आएगी तो उस पर बच्चों के देखे जाएंगे 2400 में कितने सारे प्लेयर हैं और कौन कौन से इसमें कितने मार्क्स आ रहे, तो हिसाब से कंपेरिजन निकाला जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेगा। अगर आप 2800 ग्रेड पे की पॉसिबिलिटी में आते हैं तो 2800 ग्रेड पे का कट ऑफ थोड़ा सा इससे आ जा सकता है, आई थिंक आप 290 से लेकर 300 के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हो 2800 ग्रेड पे का।
अब आता है 42 ग्रेड पी कट ऑफ की बात करो, 42 ग्रेड पे कट ऑफ जो है हमेशा से थोड़ा देखने को मिला 320 से 330 के अराउंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 4200-4600 का भी इस चीज को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये कट ऑफ रह सकता है, बाकी आंसर कहने में डिपेंड करता है। बात करते हैं आंसर की, बारे आंसर कब तक आ जाएगी, तो आंसर की जो है आपका लिंक जो है आज आपका आ सकता है, क्योंकि ऐसा हमें 3-4 एग्जाम में देखने को मिला है, जब एग्जाम हुआ है उसके एक दिन बाद उसका लिंक एक्टिवेट होता है, तो मतलब आज आपका लिंक आ जाएगा शाम को, आज संडे है भले ही, फिर भी आपका लिंक आया, क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिलते से एक था SSC आपका CPO का समथिंग एग्जाम था जिसका आंसर की का लिंक जो संडे को एक्टिवेट हुआ था, तो संडे को भी आपका लिंक एक्टिवेट होता है, ऐसा नहीं होता है, हो जाएगा आज शाम तक पॉसिबिलिटी है, और कल तक आपके आंसर के भी आ जाए, आज शाम को आपके आंसर की आ जाए, पॉसिबिलिटी दोनों है। तो वेट कीजिए अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर।